पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। ये जो कहावत है ना, ये सबसे ज़्यादा कब खलती है, जब हम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और हम क्वेश्चन पेपर पे, हम जब कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम सोचते हैं कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैंने उस टाइम पे एंजॉय करना करके थोड़ा पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन मैं कर पाता। ये हर किसी के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा, लेकिन ये काश वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेहनत अपने हाथ में है, अगर आप मेहनत ढंग से करोगे ना तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो। नवंबर से पढ़ के भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो, ठीक है। अभी तक अगर आपने सीरियस नहीं लिया है पढ़ाई को, तो बच्चों अभी 3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, 3 महीने में होते हैं हमारे पास 90 दिन, ठीक है। मैं 3 महीना बोल रहा हूँ, 4 महीना नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा। तो बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग 3 महीने का सोच के पढ़ाई करें, तो अगर बाद में वो पीछे भी जाता है तो हमारे पास 1 महीना अतिरिक्त रहेगा जिसमें हम और अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो इस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, एक मोटिवेशन लाने की कोशिश करूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिल पाएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक्चुअली जो सब्जेक्ट्स की कैटेगरी अगर बात की जाए, ठीक है, एक होता है मेन सब्जेक्ट, ठीक है, मेन सब्जेक्ट की बात अगर कर ले जिस पर हमें ज़्यादा जोर लगाना है, ठीक है, ज़्यादा जोर लगाना है नंबर वन मैथमेटिक्स पर, ठीक है, नंबर टू साइंस पर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, ठीक है, साइंस, और नंबर थ्री हमें लगाना है एसएसटी पर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अगर कोई बड़े क्लास का विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो बाकी सब्जेक्ट को वो स्किप, मतलब उस सब्जेक्ट से बदल सकता है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी पूरा टाइम टेबल और स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो हो सकती थोड़ी लंबी बन जाए बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, प्लीज़ पूरा वॉच करना। सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ जिस पे हम बच्चे थोड़ा कम ध्यान दे देते हैं, उसे थोड़ा आसान विषय में ले लेते हैं, वो है आपकी एक हिंदी, ठीक है, एक हिंदी हो गई और एक इंग्लिश हो गई, ठीक है, एक इंग्लिश हो गई, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। अगर इन सब्जेक्ट्स को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, हिंदी मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो घबराते हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट से घबराते हैं, इंग्लिश उनको बहुत ज़्यादा टफ लगती है ना, इंग्लिश बहुत टफ लगती है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 सबसे आसान सब्जेक्ट आपके हिंदी होती है और इंग्लिश होती है, और बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा घबराते हैं। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको तरकीब बताऊँगा, मेथड बताऊँगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, और मैं चीज़ें भी बताऊँगा। सबसे पहले मेन सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश है। कई बच्चे क्या होते हैं, 5 विषयों में से किसी 1-2 विषय को दिन भर पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, लेकिन बाकी विषयों को वो नहीं पढ़ते, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक विषय 100 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हो सकता है, संस्कृत भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में क्या है बच्चों, ये चीज़ है। तो अभी मैं बात करूँगा पहले मेन सब्जेक्ट की, फिर अदर सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताऊँगा, टाइम टेबल बताऊँगा। सबसे पहले देखो 90 दिन है हमारे पास, अगर मैं, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है वो कोविड का टाइम चल रहा है और हमारा सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, 30% सिलेबस नहीं है, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आपके 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो 10 से 11 चैप्टर हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अगर 90 दिन का सोचो, क्योंकि 120 दिन लगभग है हमारे पास, 90 दिन का भी सोचोगे ना, आपको छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, ठीक है। अभी मैं टाइम टेबल बताऊंगा, देखो छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, जैसे आज से आप टारगेट स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई करना, आपने मैथ की बुक खोली कि पहला चैप्टर आपका क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या है बेटा, वास्तविक संख्या। अब ये चैप्टर में है कितने एक्सरसाइज, 1.1 से 1.4, ये एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अब आपको छोटा सा गोल सेट करना, आपके पास 90 दिन, अगर आप शुरुआत ही अभी से कर रहे हो ना तब भी आप एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो।
अभी आप शुरुआत कर रहे हो 1.1 पहले एक्सरसाइज, और सबसे मेन बात है मैंने पूरी मैथ करा रखी है, पूरी साइंस करा रखी है, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर देखना। और चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है, आपको आइडिया लग जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्या है पहला चैप्टर है, ठीक है, गोल सेट करो कि मुझे ये चैप्टर, चार एक्सरसाइज हैं छोटे छोटे, तो मुझे पाँच दिन में मुझे ये चैप्टर पूरा ख़त्म करना है। शुरुआत आपको NCERT से करनी है, ये नहीं कि आप मार्केट जा रहे हो मास्टरमाइंड खरीद के ला रहे हो, नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ पहले के 3 महीने, ठीक है, पहले के 3 महीने आपको NCERT पढ़नी है, NCERT के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हो, उदाहरण हो, उनको करना है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना, पहले आपको NCERT पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, पहले के 3 महीने। और इसी बीच में जैसे कि ये चैप्टर आपने फिनिश किया, वास्तविक संख्या आपने ख़त्म की, तो कोशिश करनी है कि उसी चैप्टर का आप टेस्ट दें, ठीक है, चाहे आप अपने घर पे दें, अपने दोस्तों के साथ मिलके दें, ट्यूशन में दें, जहाँ पर भी दें, टेस्ट आपको रेगुलरली देते रहना है, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है ना, तो टेस्ट रेगुलर दो, ठीक है, ये मत सोचो अरे नहीं होगा मैं दे दूंगा एग्ज़ाम में, ऐसा बिल्कुल मत करना, सीरियस होकर टेस्ट दिया करना। इससे क्या होगा, आपकी जो कमी है वो दूर होगी, आपके मन की जो घबराहट है वो दूर होगी, आप एग्ज़ाम में जो गलती कर सकते हो वो गलती आप यहाँ कर लोगे, फिर वो गलती आप वहाँ पर नहीं करोगे, ठीक है, ये यकीन मानो, जितना टेस्ट दोगे, जितना रिविज़न करोगे, उतने हिसाब से आपको आपके अंदर सुधार आएगा, आपके अंदर निखार आएगा। अभी मैं टाइम टेबल बताऊँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ये छोटे छोटे गोल सेट करने, जैसे विज्ञान है और डेली हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, ये नहीं आज सिर्फ मैथ ही पढ़ रहे हो पूरे दिन, ऐसा नहीं, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, इसीलिए मैं टाइम टेबल बना के दूंगा। अभी विज्ञान, जैसे विज्ञान का पहला चैप्टर है, ऐसे सोच लिया कि मुझे 5 दिन में मैथ ख़त्म करना है, तो कोशिश करनी है कि विज्ञान का जो पहला चैप्टर है 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक एक चैप्टर को अगर 3-4 दिन पढ़ोगे ना एकदम शुरुआत से, तो आराम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इतना टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप, मैं सोच रहा हूँ कि आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, आई होप कि इस टाइम पे आके कोई बच्चा ज़ीरो से ना शुरू कर रहा हो, बट अगर ज़ीरो से भी आप शुरू कर रहे हो तो आप हीरो बन सकते हो और एग्ज़ाम में फोड़ के आ सकते हो, बस खुद पे बिलीफ रखना है। जो दोस्त आपको डराते हो, देखो संगति का असर बहुत पड़ता है, जो दोस्त आपको डीमोटिवेट कर दे हो कि भाई बहुत टफ है, बहुत हार्ड आता है, नहीं होगा, ये है वो है, खेलने चल, कूदने चल, पढ़ने लेंगे बाद में, ऐसे दोस्तों से हो जाओ दूर, ठीक है, वो तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ में लेके डूबेंगे, तो उनको रखना है दूर। और इस टाइम पे आके बच्चों आपने जितनी मस्ती करनी थी कर ली है, अब थोड़ा सीरियस होके आपको पढ़ाई पे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये भैया आपका करियर का सवाल है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम है, आपके करियर का सवाल है, आपका फ्यूचर डिसाइड होगा इन सब चीज़ों से, तो जी जान लगा दो, ठीक है। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पहले मैं एक टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, ठीक है, टाइम टेबल डिस्कस करता हूं। सो देखिए, सुबह आप कितने बजे उठ सकते हो, सुबह जब उठते हो ना बच्चों, सुबह आप कोशिश करो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, नहीं, अभी इस टाइम पर जो स्कूल है सभी बच्चों के 9 बजे से हो गए होंगे, है कि नहीं, 9 बजे स्कूल हो गया होगा, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 या 5:30 बजे तक उठ जाओ, एक अच्छी नींद लेना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 5 बजे उठने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों, 5 बजे उठ जाओ, कितने बजे उठना है, 5 बजे उठना है, उसके बाद उठते ही आपको रज़ाई छोड़नी है, बाहर जाना है, फ्रेश हो जाना है, पानी ज़रूर पी लेना, ठीक है, 1 गिलास पानी पी लो, फिर अंदर आओ, बिस्तर में मत बैठना ऐसे लेटे लेटे पड़ रहे, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको एकदम उठना है, कुर्सी में बैठना है या फिर पालती मार के बैठना है प्रॉपर पोजीशन में, और उठते ही आपको मैथमेटिक्स का रिवीजन करना है, जो भी आपने पिछले वाले दिन पढ़ा था ना बच्चों, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग 10 से 15 मिनट मैथ्स पढ़ें, क्या करें, 10 से 15 मिनट आपको मैथमेटिक्स का जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेना है, ठीक है, एक रिवीजन कर लिया, उसके बाद ये रिवीजन क्यों करना है, क्योंकि हमने अभी सो के उठे हैं, हमारा मन थोड़ा सुस्ता रहा होता है, तो उसको एक्टिव करने के लिए हम मैथ्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो साइंस पढ़ सकते हैं, साइंस के कुछ उदाहरण कर लिए, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन देखना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, 5:30 से मान लेते हैं
5:30 से लेकर 6:30 तक 1 घंटा, ये जो 1 घंटे का समय है इसमें आपको पढ़ना है विज्ञान, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? विज्ञान। सुबह कोई ट्यूशन व्यूशन कहीं कोई जाता है तो वो अपना हिसाब से देख लेना, उसको चेंज कर लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 6:30 से, ठीक है, 6:30 से लेकर 7:30 तक आप सामाजिक विज्ञान पढ़ें, ठीक है। 1 घंटे का समय आपको डेली देना है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, आपको डेली देना है। और एक चीज़, हाँ, आप जितना स्कूल में पढ़ो जितना कोचिंग में पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप खुद से उस चीज़ों को नहीं रिवाइज कर रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। तो जितनी भर ली कोचिंग कर लो, जितना स्कूल में पढ़ लो, उसका आउटपुट निकल के नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये आप सामाजिक विज्ञान पढ़े। टारगेट मैंने आपको बता दिया कि क्या रखने, छोटे छोटे गोल रखने कि मुझे, अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो मुझे 5 दिन में ये करना है। जैसे आज आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपका गोल होगा कि प्रश्नावली 1.1 मुझे कंप्लीट करनी है। सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, रात को पढ़ लिया, जैसे भी पढ़ो उसको कंप्लीट करो, उसको रिवाइज करो, छोटे छोटे गोल सेट करो, आराम से हो जाते हैं भाई, ठीक है। आपका सिलेबस भी कम है। फिर क्या करो, 7:30 से लेकर 1/2 घंटे का जो टाइम है इस पर थोड़ा सा ब्रेक ले लो। उस ब्रेक में क्या करो, फटाफट से जाओ नहा लो, 7:30 से 8 बजे का टाइम है, फटाफट से नहा लिया, नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद क्या करें, जो 8 बजे से 9 बजे का समय है उस पर आपको अगर स्कूल में कोई काम दिया गया है, ठीक है, उन कामों को आप कर लो, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, जो स्कूल में पूछा जाएगा वो कर लो, ठीक है, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ मैं कहूँगा। उसके बाद 9 बजे से लेकर 4 बजे का समय, ये मान ले रहा हूँ मैं स्कूल टाइम है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि आप स्कूल में बिता रहे हो, व्यतीत कर रहे हो, लेकिन 4 बजे आप घर पे पहुँच जाओगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 4 बजे से 4:30 बजे, ठीक है, आपको अपना रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद जो भी आप थोड़ा बहुत खाना पीना खा रहे हैं खा लीजिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों, स्कूल में जाके मस्ती नहीं, ये नहीं कि स्कूल में जा रहे हैं भाई घूम रहे हैं फिर रहे हैं, है ना, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, स्कूल बंक कर रहे हो, ना, स्कूल में जाओ सीरियस हो जाओ, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करो पढ़ाई का, भाई तूने क्या सीखा, तूने क्वेश्चन क्या किया, मुझे क्या आता है। देखो नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। आपका ये जो माहौल होना चाहिए इस टाइम पे वो सिर्फ पढ़ाई का होना चाहिए, जो आपके बात आपके बीच में जो बातें हो रही हैं वो पढ़ाई की होनी चाहिए, ठीक है। तुमने क्या सीखा, तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम उनसे पूछो, उसको कुछ नहीं है तो तुम बताओ। आपस में जब चीज़ों आपको डिस्कस करोगे ना तो वो चीज़ आपके मन में बैठ जाएगी, वो फिर भूलोगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ फालतू बातें नहीं करनी है, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट करना है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और खेल कूद थोड़ा बहुत करना, ये चीज़ है, लेकिन ज़्यादा नहीं, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। उसके बाद जब आओगे शाम का टाइम जो होगा, ठीक है, 5 बजे से, ठीक है, मैं और आधा घंटा मैं आपको रेस्ट दे रहा हूँ, 5 से लेकर 7 बजे का टाइम, 1.5 से लेकर 2 घंटा, इसमें आप मैथमेटिक्स कर लो, ठीक है, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स सुबह बिल्कुल नहीं पढ़ी, वो बस आपने रिवीजन किया था। मैथ्स आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूँगा, मेरे वीडियोस सबसे सिंपली एक्सप्लेन किए हैं पूरे यूट्यूब में आई थिंक, और मिलियन बच्चों को फेवरेट वीडियो बन चुके हैं, आप एक बार देखिए आपको भी प्यार हो जाएगा मैथमेटिक्स से, ये मैं दावा करता हूँ, ठीक है। पूरी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, 50 इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बना रखी है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है, करिएगा। मैथ आप मेरी वीडियो देख से कर सकते हैं, 2 घंटे आपको मैथ को देना है। टारगेट क्या है वो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सारी चीज़ें जो हैं, देखो बच्चों, पहले के जो 90 दिन है कोशिश करनी, 90 दिन हमें नहीं लेने, हमें लेने हैं 80 दिन, ठीक है, और बाकी अगर 40 दिन बच रहा है तो उसको हमें रिवाइज में लगाना है। कोशिश करनी है कि जो हमारा सिलेबस है, पहले हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पूरा ढंग से पढ़ लेना है, ये नहीं कि एक बार जब पढ़ रहे हैं ना पूरा मन लगा के पढ़ना है, एक बार में अगर कोई चैप्टर कर रहे हैं तो पूरा आ जाना चाहिए एकदम, उसके छोटे से छोटा क्वेश्चन बड़े से बड़े क्वेश्चन हमें पूरा आना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक। फिर 7 बजे से आप बीच बीच में आप छोटा छोटा गैप ले सकते हैं, 5 मिनट का थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा पानी पी लिया, लेकिन ये नहीं कि किसी से बात कर रहे हो तो घंटों लग ही गए, इन सब चीज़ों से दूर रहना, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहना है, ठीक है, ये टाइम हमारा मेहनत करने का है।
फिर आप 7 से लेकर 8 तक 1 घंटे का टाइम फिर से आप क्या कर सकते हैं, विज्ञान को दें। विज्ञान पढ़ लिया आपने, अब स्कूल टाइम में जो भी पढ़ा पढ़ा वो बात की बात है। विज्ञान सुबह 1 घंटा पढ़ा, शाम को 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा हो गए। मैथ भी 2 घंटा हो गया। अभी तक हमने ना हिंदी पढ़ी है ना इंग्लिश पढ़ी है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हिंदी बच्चों को सबसे ज़्यादा आसान लगती है, तो हिंदी आधा घंटा स्कूल में अगर कोई टाइम पीरियड बच रहा है, ठीक है, टाइम का यूटिलाइज करना सीखो। स्कूल में कोई पीरियड खाली है, कोई कुछ खाली है, तो उस टाइम पे आप हिंदी पढ़ लो आराम आराम से। हिंदी की जो भी आपके पास गाइड है, ठीक है, वो पढ़ लो। स्ट्रेटेजी भी बताऊँगा, वो टाइम भी हम टाइम टेबल डिस्कस करें किस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, वो पढ़ लिया। या फिर इस टाइम के बीच में जब भी आपको लगता है आप आधा घंटा डेली, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटा डेली हिंदी पढ़नी है, और वो आप पर डिसाइड है कि वो आधा घंटा आप स्कूल में देते हैं, सुबह देते हैं, या इस टाइम में से किसी को देते हैं, ठीक है। 8 से बच गया, 8 से लेकर 9 तक बच्चों, 8 से लेकर 9 तक आपको इंग्लिश पढ़ना है डेली, ठीक है। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, आपको पहले कोई भी चैप्टर है, जैसे गद्य खंड पद्य खंड, 2 अलग अलग बुक होती हैं, तो गद्य खंड को पहले स्टोरी को समझो, हिंदी में पहले स्टोरी पढ़ो, है ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हिंदी के साथ जो अनुवाद होता है उसको पढ़ो। अगर चैप्टर का स्टोरी आपको अच्छे से पता होगा तो उस पर छोटे बड़े जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बना के लिख सकते हो ट्रांसलेट करके, है ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही चीज़ आपके लिए पद्य खंड में, स्टोरी वगैरह में, पोएम में भी वही चीज़ है, पहले स्टोरी पोएम को समझो, राइटर्स कौन है, अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो उसके छोटे बड़े क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान में आ गई। ये करना है और आपको लिख लिख के पढ़ना है इंग्लिश, मैथ्स, विज्ञान, और आपके नोट्स भी खुद बे खुद बनते रहने चाहिए, ठीक। और क्या करना है आपको, इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन मतलब राइटिंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग पोर्शन की प्रैक्टिस करनी है आपको, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्रामर पोर्शन बहुत छोटा आता है, 15 नंबर का पोर्शन आता है। अगर किसी की ग्रामर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, स्ट्रेस मत लो, ग्रामर पोर्शन मत करो, मैं तो कहूँगा मत करो, अगर इतने ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इंग्लिश में, आप लोग क्वेश्चन आंसर लर्न करो, ठीक है, जो आपका राइटिंग पोर्शन उस पर ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन छाट छाट के लिखने आते नहीं है पैराग्राफ से, उसमें से इतने नंबर आ जाते हैं, उसके बाद आपके स्टोरी जो आपके पास राइटिंग पोर्शन हो गया वो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा अभी, उसके बाद आपके ऐसे लिखने के लिए आ जाता है, स्टोरी लिखने के लिए आ जाता है, आर्टिकल्स बनाने के लिए आ जाते हैं, ऐसे जैसे बहुत चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो बहुत आसान है। बाकी 15 नंबर के ग्रामर के अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो आप उसे स्किप कर दो, एंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। मेरी ग्रामर खुद बहुत वीक थी, मैंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, मैं सरकारी स्कूल से बचपन से पढ़ा हूँ, और जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ के टीचर्स बहुत ही निठल्ले थे, हमें कभी नहीं पढ़ाया ग्रामर, बट मेरे फिर भी इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आते थे, क्योंकि स्ट्रेटजी होती थी, मैं ग्रामर को लेकर टेंशन में नहीं लेता था, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत आती थी उसमें मेरे कवर हो जाते थे, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। और फिर अगर किसी के पास संस्कृत है, क्योंकि मेन तो 5 सब्जेक्ट ही होने, संस्कृत आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे हिसाब से ये 5 सब्जेक्ट सभी के पास होते हैं। किसी के पास अगर इंग्लिश के जगह पर संस्कृत है तो वो संस्कृत को रिप्लेस कर लो टाइम से, है ना, तो इंग्लिश की जगह संस्कृत पढ़ सकते हो। या अब क्या करना है, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे का जो टाइम है बच्चों वो आपका डिनर का टाइम है, आप डिनर कीजिए आराम से, ठीक है। डिनर करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट करने के बाद 40 मिनट का टाइम दे, 9 से 9 आराम से रेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास आएगा रिवीजन, ये रिवीजन आपको खुद से करना है। कैसा रिवीजन, कहने का मतलब क्या है इसका, आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी पढ़ा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सोचिए, अपने आप से पूछिए मुझे किस सब्जेक्ट में डाउट है, मुझे किस सब्जेक्ट को एक बार देखना चाहिए। पहले एक एक बार तो सबको देख लो कि दिन भर आपने जो भी पढ़ा, 4-5 पन्ने जो भी पढ़े उसको उलट उलट के देखो, अपने नोट्स देख लो, अपने किताब देख लो, हाँ मुझे याद है। अगर आपसे लग रहा है अरे यार डाउट है तो उसको थोड़ा टाइम दो, उसको निकालो, सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मन में है कि मुझे इस चैप्टर में ये डाउट है तो उस डाउट को लिखो, नेक्स्ट जब स्कूल जाओ अपने दोस्तों से पूछो, अपने टीचर से पूछो, मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो मेरे को, ये चीज़ है, ठीक है। ये रिवीजन का जो प्रॉपर टाइम है बच्चों वो 11 बजे तक का है, आपके रात के 11 बजे तक।
आपको रात के 11 बजे तक सो जाना है। मैं आपको कभी नहीं बोलता कि रात के 12 12 2 2 1 1 बजे तक पढ़ो, नहीं। अगर इस सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना तो आराम से पास हो जाओगे, आराम से फोड़ के आओगे एग्जाम में, 95% का 100% मार्क्स आएंगे। तो लेकिन ये तो मैंने टाइम टेबल की बात की, अभी आपके साथ प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, ठीक है। आपको पहले के 80 दिनों में आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है और बाद के 40 दिनों में आपको रिवीजन रिवीजन मार्केट में कई तरीके के सैंपल पेपर वगैरह आ जाएंगे, उसे आप प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हो। लेकिन मैं उससे भी बढ़िया चीज़ बोलूँगा, जब आपकी पूरी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाए, पूरा एनसीईआरटी आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है, उसके बाद आपको उठाना है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट। हो सके तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर 10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो। क्वेश्चन पेपर करने से, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत निखर के आता है। और क्या होता है ना, आप देख रहे होंगे पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन है ना, वही उन्हीं क्वेश्चन में से बार 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 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी अगर कर लोगे ना इन सब के बाद, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आप खुद देखोगे कि हर एक टाइप का क्वेश्चन बार 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 आ रहा है, इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। और आपके कमी को दूर करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 3 सैम्पल पेपर, मतलब सैम्पल पेपर खरीदोगे उसके 3 पेपर आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मैं कितने टाइम पे क्या कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस आज लगेगा मेरे से सारे क्वेश्चन इतने घंटे में हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 3 पेपर तो आपको करने ही करने हैं। और पिछले 5 साल, कम से कम 5 साल बढ़िया हो जाएगा कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप कर लो, मज़ा आ जाएगा। पूरा बोर्ड एग्जाम फोड़ के आओगे, पूरा टॉप कर लोगे, मेरे से लिख लो आप, ठीक है। मेन चीज़ 2 बुक बताऊंगा मैं, एनसीईआरटी, ठीक है, पूरी पढ़नी है और उसके साथ साथ पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर, और प्रैक्टिस के लिए मार्केट में जो भी आएगा एग्जाम्पल पेपर उठाओ और उसके 3 पेपर करो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर खुद से करना है एग्ज़ाम में रूम की हतरा माहौल बनाकर, ठीक है। ये चीज़ करनी है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटजी थी वो हम देख लेते हैं। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे जो भी विषय हो, आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। आज आपने मैथ का एक चैप्टर पढ़ा, एक्सरसाइज 1.1, तो कल एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले 1.1 को अच्छे से रिवाइज करो। पहले के 80 दिनों में पूरा सिलेबस निपटाओ, अगर निपट चुका है रिवीजन करो, डिटेल में पढ़ो, ठीक है। जितना रिवाइज करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका निखर के आएगा, ये मैं बोलूँगा, ठीक है। ये चीज़ बनाओ और उसके बाद वाले दिनों में पहले के 10 दिन फिर से जो एनसीईआरटी ने पूरी पढ़ी, फटाफट क्विक 10 से 15 दिनों में पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है। डेली एक चैप्टर 15 दिन में, आपके सिलेबस में 15-15 चैप्टर होंगे, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चे 25 दिन में आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करो, सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और फिर 3 दिन आपको देने हैं सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करने में। उससे क्या होगा आपको पता चलेगा। कोशिश करनी है कि हर दूसरे दिन में एक सैम्पल पेपर आप करो, चाहे वो मैथ का हो साइंस का हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें आता सब है लेकिन वो 3 घंटे के अंदर सारा पेपर नहीं सॉल्व करते, नहीं कर पाते। क्यों? उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, वो सिर्फ याद कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको इस बीच में लिखते भी हुए रहना है। कई बच्चों की स्पीड बहुत स्लो होती है, उस स्पीड को बढ़ाओ। क्योंकि देखो, आता सबको है लेकिन उस 3 घंटे में सभी प्रश्नों को करना एक अलग बात है, प्रश्न सारा आता है वो अलग बात है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को आंसर का प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। आप किस तरीके से किस चीज़ को लिख रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, वो चीज़ भी मैटर करती है। उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं कहूँगा एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लोगे बहुत है, उसी में से आ जाता है। लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर लेना, इसमें सैम्पल पेपर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन पेपर कर लेना, ठीक है। साइंस के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, एनसीईआरटी इज़ इनफ, मैं पूरी करा चुका हूँ। और एग्ज़ाम से पहले पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की जो गाइड आती है ना मार्केट में, गाइड उठा लो, पूरा पढ़ डालो। और ठीक है, एक आई थिंक आपके वहाँ पर कुछ ऐसा आता होगा, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग
सिस्टम है सामाजिक विज्ञान की पतली सी आती है चैप्टर में, वही पढ़ लो वही बहुत है, या एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो वही बहुत है। लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है। सामाजिक विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है, हर एक के लिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कभी छोड़ो मत, जो भी आता है लिख दो। एटलीस्ट सामाजिक विज्ञान में तो यही करना है, जितना लिखोगे उतना नंबर आएगा, बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। हिंदी के लिए बोल चुका हूँ, ठीक है, डेली आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है, और पिछले क्वेश्चन पेपर तो करने ही करना है, आपके सिलेबस का अच्छे से आइडिया होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इंग्लिश में आपको राइटिंग पोर्शन पे ज़्यादा जोर लगाना है, ग्रामर पोर्शन पे थोड़ा सा कम, आपको हिंदी मतलब आपको जो गद्य खंड है किताब का स्टोरी वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए, आपकी छाटने वाले क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो आपको अच्छे जाना चाहिए, ऐसे नोट, ठीक है ना, ये जो राइटिंग पोर्शन पे आपको ज़्यादा जोर लगाना है। ग्रामर पोर्शन तो छोटे मार्क्स के होते हैं, वो हो ही जाता है, और जिसके पास संस्कृत है वो संस्कृत की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करो, पहले के 80 दिनों में पूरा रिवाइज करो सिस्टमेटिक में, छोटे छोटे टारगेट अचीव करनी है हमें, उसके बाद 15 दिन में फिर उन सभी चीज़ों को क्विक रिवाइज करना है, उसके बाद बचे हुए दिनों में सिर्फ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ही करने हैं हमें, और 4 से 5 दिन हमें सैम्पल पेपर करने हैं खुद को टेस्ट करने के लिए, और इन बीचों में हमें टेस्ट देते रहना है रेगुलरली, तभी हम एग्ज़ाम में फोड़ सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना रिविज़न करोगे कोशिश करनी है कम से कम 4 से 5 बार आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ, जितना रिवीजन करोगे उतना मज़ा आएगा, ये चीज़ गांठ बांध लेना, रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा था। स्ट्रेटजी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें हर जगह, चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।